In our cycle meeting, marketing guys always tell you focus only on P1, P2, P3. Priority 1, priority 2, priority 3. Don't change the priority to the doctors. So, iska kya matlab hota? What is the relevance of main koi doctor kuch bhi brand bol sakta hu. So, why marketing people say ne, aapko derma mein P1 ye hona chahiye, GP mein P1 ye hona chahiye. Aise kyun? I'll give a very good example. Abhi iske pehle jo maine ek point aapko bataya tha ki molecule कैटेगरी उसकी क्या ग्रोथ चल रही है नेशनल लेवल पे, वो एक मार्केटिंग वाला पर्सन उसको मार्केट रिसर्च एजेंसी से पता चलता है. मार्केट में उस ग्रो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या न्यू मॉलिक्यूल आपने ऐड किया है उसका पोटेंशियल कितना है, वो पोटेंशियल के हिसाब से उसका वैल्यू डिसाइड होता है. तो जब आप देखते हैं कि एक स्पेशलिटी है, जैसे सपोज कीजिए डर्मेटोलॉजी है, तो उनके पास इमोलियंट्स आते हैं, उनके पास स्किन क्रीम्स आती हैं, उनके पास आता है एंटी सोरियासिस ट्रीटमेंट या एंटी एलर्जी वाले ट्रीटमेंट आते हैं या हेयर ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स आते हैं. तो आप देखते हैं कि उनमें जो मैंने चार या पांच कैटेगरी आपको बताई, उन चार पांच कैटेगरी के हिसाब से उनकी वेटेज कितनी है. उस वेटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि मेरा प्रायोरिटी प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए. अभी इससे क्या होगा कि जब हम सपोज कीजिए हम 200 लोग हैं, दी एंटायर डिवीजन है 200 MRs इन से डर्मेटोलॉजी. Now 200 people will be having say a doctor list of 100. Out of that will be say 70 would be dermatologists. So each dermatologist would be looking at say P1, P2, P3. So 200 into 70 जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये 14,000 मेरे डॉक्टर्स आ गए. 14,000 डॉक्टर पे जब मैं P1, P2, P3 करूँगा तो मुझे इतने प्रिस्क्रिप्शन मिलने चाहिए, तभी मेरे ब्रांड की ग्रोथ आएगी. जब मेरे ब्रांड की ग्रोथ आएगी तभी मेरा डिवीजन would become even better and there will be a value addition for the division. जब value addition आएगी तो हमें क्या होगा, incentive अच्छा मिलेगा, हमारे increments अच्छे आएंगे, which is beneficial for me. So everything